दो हफ्ते में इतनी सेवा वो की जिन्नी मेरी कहना नहीं 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 मेरे को कुछ मालूम है कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा बुढ़ान तो प्यार गेरवन नहीं नहीं वन तो गजब बेइज्जती है गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। और सुबह की जो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना, वो हो रही है सुबह के 6 बजे। और 6 बजे देख सकते हो आप, पूरी दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसके ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह के टाइम पर हो रही है। जैसे कि मैं बता दूँ कि जैसे आप लोगों को भी पता है कि दीपावली आने वाली है, यानी आ गई है कल परसों में। तो दीपावली को हम लोग घर जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना है, तो सामान सामान लेते हैं। और सुबह सुबह की मौसम की बात करो ना, यहाँ पोखरी में बहुत ज़्यादा ठंडा है ना अनुराग, मतलब पूरे हाथ और पैर ऐसे ठंडे हो गए ना, मैं तो चप्पल में आ रखा हूँ। और सामान सामान लेके ना 9 या 10 बजे हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे ऑलमोस्ट। भंडारी ये बंडवा यहाँ पे लाइव चलता हुआ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो नागनाथ, तो नागनाथ जो पोखरी है ना, वो यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर होगा इधर। गाइस ये देख सकते हो आप, मॉर्निंग वाइब में ना ऐसी एनर्जी आती है, अरे वाह। यहाँ पे ना एक संतरा है, वो तोड़ लेता हूँ और इसको खाएंगे नाश्ते के साथ। मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है, ये बोल रहा बुखार आ जाएगा कि, पर मेरे को बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। और नागनाथ की जो स्कूल है ना, वो यहाँ पर है। देख सकते हो यहाँ पे सारी दुकानें खुल चुकी हैं और यहाँ पे भी। पे ना लोगों ने सुबह और शाम के टाइम पे जैकेट पहनना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वो बिल्कुल मसूरी वाला है। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं रूम के लिए। आप सामने से भी देख सकते हो जो सूर्योदय होता है ना, वो भी हो चुका है और मुझे जाना है अभी यहाँ से नीचे के लिए। तो घर जाने वाले हैं हम, तो यहाँ पे जो है पूरा सामान वगैरह पैक किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट रॉक ना जो लिखाड़ जिन तुम। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक जने के कपड़े देख सकते हो आप, पूरा का पूरा संडे मार्केट लगा रखा है। भैया कितने की दिए भैया? भैया ये वाली हाथ पे है जो 20 की। दे तभी जो ले। केदारनाथ जा रहे हम। केदारनाथ ले हो चुके सामान की पैकिंग। अंकल ये आप इतनी बीड़ी मत पिया करो आप, हैं? अब नहीं छूट रहे हैं, अब नहीं छूट रहे हैं, बहुत मुश्किल है नहीं है। अंकल जी भी आज यहाँ से जा रहे हैं दीपावली। ऑफिस से आएंगे, ऑफिस से 11:30-12 पे यहाँ से चलेंगे गाड़ी राजघर। आज इनके चेहरे पे खुशी देख सकते हो आप। बहुत टाइम बाद घर जा रहे हैं राजघर, बहुत टाइम बाद बॉडी जिसे मिले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वहाँ से नरेंद्र की गाड़ी में बांसवाड़ा तक पहुँचेंगे। अच्छा बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा से हमारे यहाँ की गाड़ी मिलेगी हमें 1062 नंबर से हम अपने गंतव्य स्थान के लिए
जाएंगे प्रस्थान करेंगे, अपने इष्ट देव भुवनेश्वर महाराज के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने निवास स्थान पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, वहां पे हमारे बच्चे होंगे, धर्मपत्नी नाती होंगे, धर्मपत्नी धर्मपत्नी सबको वो धर्मपत्नी नहीं बोली पूछेंगे कुशलता की कैसे कैसे कटे दिन, कितना ठंडा हुआ, कितना गर्म हुआ, नाम तो बोल देंगे अंकल जी ने बहुत पिया। दो लड़के थे भंडारी नवीन भंडारी और अनुराग विष्ट वरिष्ठ महाविद्यालय निकोना में कार्यरत है। अब उनका समायोजन में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय पोखरी। दोनों लड़कों ने मेरी दो हफ्ते में इतनी सेवा वो की जितनी मेरी घरवाली ने भी नहीं की, घरवाली ने भी नहीं की, ऐसे ही बात सकते हैं। उत्साहित होते हैं, दीपावली का त्योहार है, सभी हमारे गौर भाई घर वाले सन्यासी बड़े तो प्यार गेरो नहीं वो तो वो नहीं माओ जी पूछे माओ जी बुढ़े तो प्यार गेरो नहीं बोला बुढ़े तो प्यार गेरो नहीं वो प्यार प्यार का मतलब बतिया रही है चचू वो को मिर्गी आ गई थोड़ा मेरा क्या है जा सुमंत कर जा अब साथ मेरा क्या है भाई भरत को कहना राजी सुखी अवधि में क्या मुख ले जाऊं अवधि में क्या मुख ले जाऊं जब पूछे राजा राम लखन बन को गए मैं आ पहुंचा गया क्या थी क्या एक क्षण भई बीती को कौने विषा अवधि में क्या मुख ले जाऊं अवधि में क्या मुख ले जाऊं जब पूछे राजा और रानी बिगड़ी गई बन करे सभी बिगड़ी गई बन करे तो फाइनली हमारे निकलने की तैयारी हो चुकी है क्या पुलिस वाला ये फाइनली लॉक हो चुका है अब निकल गया आप तभी वाह चला ना तुम भी चला तू चला ना घूमर चला चला हूँ जो मुड़े साइड फोन अभी तो तभी आधा घंटा जी तो भाई मैं पैदल जाऊंगी मैं स्कूटी हाँ तो स्कूटी तो ले आएंगे हमारे पास वो भी है ना क्या बुलेट है आ जाओ हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ A few moments later तो दोस्तों अभी हम पहुंचे थे बांसवाड़ा में और यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रही थी तो नीतू भाई के लिए कॉल करा कि हमें लेने के लिए आ जाए तो नीतू भाई तुरंत हमें लेने के लिए आ गया और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं मतलब जो हर टाइम आपको सपोर्ट करते हैं मतलब हर टाइम आपका आपके साथ रहते हैं तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने नीतू भाई का जो हमेशा ही हमें सपोर्ट करते हैं हमारे साथ रहते हैं तो चलते हैं अब यहाँ सीधे घर के लिए और